नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और इसी के चलते भाजपा के बड़े से बड़े नेता बंगाल में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि बीजेपी इस बार बंगाल में पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है ताकि आने वाली 2 मई को बंगाल से ममता दीदी की सरकार को उखाड़ कर फेंका जा सके। इसी के चलते बड़े से बड़े नेताओं के साथ मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बंगाल में पिछले 1 महीने से मौजूद हैं और दीदी समेत कांग्रेस पर जमकर हमलावर है। नरोत्तम मिश्रा का जादू बंगाल में इस कदर चल रहा है कि उनकी मौजूदगी में आसनसोल जोन के चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बीजेपी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और इस बात से ममता बनर्जी की नींद उड़ेनी तय है। आज पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले में दुर्गापुर जोन के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा सीटों का नामांकन भी मध्य प्रदेश गृह मंत्री एवं राड़गढ़ जोन प्रभारी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में ही हुआ और इस दौरान हजारों की तादाद में सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता उतरे और लोगों ने जमकर जय श्रीराम के नारे लगाए। सड़कों पर भीड़ इतनी थी कि पैदल भी लोगों से चला नहीं जा रहा था। दुर्गापुर में चारों उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर जब नरोत्तम मिश्रा से सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। दुर्गापुर में चारों कैंडिडेट का दाखिल हो रहा है, उम्मीद कितना है? चारों की कोई कमी नहीं है। अरे बाबा, मोदी जी का भंडार भरपूर है। नंदीग्राम चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा जो बोल रहा है झूठ बोल रहा है, 200 पार तृणमूल करेगा भाजपा नहीं, भाजपा 100 से नीचे रहेगा। और क्या कहेगी ममता बनर्जी? यही कहेंगी, वो ये थोड़ी कहेंगी कि हम पार कर रहे हैं, वो अपनी कहेंगी। तो हम अपनी कह रहे हैं, आप सुनो, तय आप करो, तय आपको करना है। देखो ना, अगर वो कहेंगी तो नंदीग्राम में उनकी हालत क्या है? जिनके नाम पे लोग कैंडिडेट लड़ते रहते हैं वो खुद नाम के लिए तरस रहे थे नंदीग्राम में। हमने तो कहा था कि 2 मई दीदी गई, 1 अप्रैल की वोटिंग ने बना दिया कि नंदीग्राम की जनता ने उन्हें अप्रैल फूल बना दिया। आज आप नॉमिनेशन पे आए हैं, फिर से ममता जी अगर देखेगी ये तस्वीर तो फिर से कहेगी कि बहिरागत आ गया, बाहर से आ गया नॉमिनेशन भी। अब उनको हम बाहर से लगते हैं, घुसपैठी अंदर के लगते हैं, आतंकवादी अंदर के लगते हैं। उनको जो बाहर से वो अपने शरद पवार को बुला रही है और वो जया बच्चन भी आ रहा है, जया बच्चन को बुला रही है, वो बिहार वाले का, बिहार का यादव तेजस्वी आ रहा है, जसवंत सिंह आ रहा है, वो अंदर का है, हम बाहर का है। क्योंकि हम भाजपा का है, हम राष्ट्रवाद की बात करता है तो देशद्रोही है, उनके लिए जो राष्ट्र विरोधी बात करता है वो राष्ट्र। और दीदी बनारस से लड़ना चाहते हैं दादा, दीदी बनारस दीदी। तो सुना आपने, नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि 2 मई दीदी गई और चारों विधानसभा में भाजपा की जीत होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भाजपा जो कहती है वो करती है, भाजपा कभी अपने वादों से मुकरती नहीं। आपको बता दें कि जिस दौरान नामांकन के लिए रोड शो किया गया उस वक्त कार्यकर्ताओं का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ पड़ा था और पूरा दुर्गापुर इलाका जयश्रीराम के नारों से गूंज उठा था। लेकिन बंगाल में वास्तव में कौन मारेगा बाजी, दीदी या दादा, ये तो आने वाली 2 मई की तारीख में ही साफ हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी। धन्यवाद।